सर्दी का मौसम में आलू की टिक्की खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। बनाना भी बहुत आसान है। दो उबले हुए आलू, आलू को ठंडा कर लिया था, इसको ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही कम समय में आलू टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। आप भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप ग्रेट करना नहीं चाहते तो आप अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। ये अच्छे से मैश हो गया है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, आप चाहे तो चावल का आटा या फिर अरारोट भी डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ दो चम्मच। और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, आप चाहे तो घी या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे टिक्की कुरकुरी बनती है। और अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं एक डो के शेप में तैयार हो गया है। ये मटर है, ये उबला हुआ मटर 2 से 3 चम्मच, इसको मैश कर लेंगे। ये टिक्की में फिल करेंगे। फिलिंग वाली टिक्की बहुत ही अच्छी लगती है। मटर को अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर, पनीर को भी अच्छे से मैश कर लेंगे। आप पनीर के बगैर भी बना सकते हैं। ये पनीर को भी अच्छे से मिला लिया है। 2 चम्मच प्याज, बारीक कटी हुई प्याज, और एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, ये भी डाल देते हैं। अब स्पाइसी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर खट्टापन के लिए, और ये थोड़ा सा काला नमक, और अच्छे से मिला लेंगे। बस ये फिलिंग रेडी हो गई है। इस तरह से छोटा छोटा ले लेंगे। टिक्की आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से अंदर फील कर लेंगे इस तरह से, और अच्छे से इस तरह से दबा देंगे जैसे कचौरी बनाते हैं उस तरह से, और गोल गोल कर लेंगे ताकि फीलिंग बाहर ना निकले। और टिक्की के शेप में बना लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान है। अरे टिक्की झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से मीडियम साइज़ की टिक्की हमने बनाया है। दो आलू में मीडियम साइज़ की टिक्की 5 बने हैं। अब इसको सेक लेंगे। जो नॉर्मल तवा में ही तेल रख दिया था, अब मीडियम फ्लेम में ही सेक लेंगे। टिक्की को कुरकुरे होने तक सेक लेंगे अच्छे से अलट पलट करके। लो टू मीडियम फ्लेम में ही सेक लेंगे। अरे टिक्की बहुत ही कुरकुरी सीख जाएगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं कढ़ाई में। अगर आपके पास बड़े तवा है तो उसमें भी आप सेक सकते हैं। मेरे पास ये नॉर्मल तवा है, जिस तवे में रोटी बनाते हैं उसी तवे में मैं इसको सेक रही हूँ मीडियम फ्लेम में। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टिक्की कुरकुरी सीक कर तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अलट पलट करके सेक लेंगे। डबल फ्राई करेंगे।
थोड़ा इसका कलर और चेंज होने देते हैं, उसके बाद निकाल लेंगे। ये टिक्की खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और सर्दी के मौसम में तो चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं टिक्की सीख चुकी है, इसे निकाल देते हैं और 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। उसके बाद क्रश करके दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि हमारी टिक्की अच्छे से कुरकुरी हो जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। ये टिक्की ठंडी हो चुकी है, आप इस तरह से दबा देंगे। उसके बाद दोबारा से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद सर्व कर लेंगे। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाट बनाना चाहते हैं तो इसमें खट्टी मीठी दही, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी मिला के आप इसकी चाट भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से दोबारा से मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कर लेंगे और अच्छे से कुरकुरी होने तक सेक लेंगे। अगर फुल फ्लेम में सेकेंगे तो टिक्की हमारी कुरकुरी नहीं हो पाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम में ही इसको सेक लेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये टिक्की खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं टिक्की बहुत ही कुरकुरी सीख कर तैयार हुई है।